बैक टू माई चैनल दिस साइड साक्षी धनजन। मैं ट्रैवल कर रही हूँ रमन ढींगरा के साथ। और हम कहाँ स्टे कर रहे हैं? ये इसका हर बार का है, इट्स पुनर्नवा है, मैं नहीं बताया था तुझे। अच्छा, ये कब हुआ? इस व्लॉग में आप देखने वाले हो व्हाई टू चूज एक्चुअली दिस ब्यूटीफुल रिजॉर्ट फॉर योर वेकेशन, जहाँ मैंने अभी रिसेंटली स्टे किया था और मेरा पैर टूटा हुआ था। द स्टाफ वॉज एक्चुअली हेल्पफुल। और ये देखो मेरा रूम का व्यू। एवरी रूम इज़ फुल विद बेसिक फैसिलिटी। और मैं अगर बात करूँ अपने ही रूम की, तो मेरा रूम था अटैच बैथ टब के साथ, जिसका व्यू आप बेडरूम से भी देख सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप बेडरूम के आगे तक जाओगे तो आपको दिखेगा खूबसूरत व्यू वादियों का। ये जैसे कि पूरा नेचर में पड़ता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह जब स्टार्ट होती है, हर दिन एक मेडिटेशन योगा के साथ स्टार्ट होती है। इवन दो अगर आप फैमिली वेकेशन प्लान कर रहे हो, सो दे हैव वेरी बिग रूम्स। और अगर आप पार्टी या कोई फंक्शन प्लान कर रहे हो, सो यू कैन चूज दिस प्लेस। सो गाइस, अभी हम लोग वापस आए हैं हाईटी लेकर, एंड स्टिल वी आर हेयर बैक टू बालकनी, बिकॉज बालकनी का कुछ व्यू ही इतना प्यारा है कि उस तरह स्विमिंग पूल है। एंड हाईटी वॉज गुड। सो अभी हमारा जो प्लान है वो रेस्ट करने का है, बिकॉज अभी कल बहुत कुछ है यहाँ पे करने को। देर इज़ योगा। सो जस्ट वर्क अप फ्रॉम अ गुड स्लीप एंड दिस इज़ अ टाइम टू गो फॉर डिनर। आई स्लेप्ट फॉर लाइक एन आवर एंड इट वॉज ग्रेट। सुबह जल्दी उठी थी, ट्रिप की बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत कुछ किया। एंड यहाँ तो लेट आए क्योंकि जाम था, वीकेंड है। एंड दिस इज़ अ टाइम आई शो यू वट इज़ देयर इन डिनर। आई एम सुपर एक्साइटेड। होप रमन रेडी होगा, मैं लेट हूँ, जल्दी से रेडी होते हैं। डिनर के लिए जितना सोचा नहीं था उससे भी सुंदर सेटअप था। मतलब अगर आप डिनर डेट प्लान कर रहे हो, देन दिस इज समथिंग वाओ। आई डोंट अंडरस्टैंड इट, बट यू कीप मी टुगेदर व्हेन एवरीथिंग आई प्रॉमिस कीप्स मी अंडर प्रेशर। या इट्स ओवरवेलमिंग बट आई विल वेट फॉरएवर। दिस इज एक्चुअली डिलीशियस। आई डोंट अंडरस्टैंड इट, आई डोंट अंडरस्टैंड। वी आर हियर फॉर द ब्रेकफास्ट। एंड रमन, तुमने ये क्या ऑर्डर किया? व्हाट इज दिस एक्चुअली? ये है हमारा ऑमलेट। ये ऑमलेट नहीं है, ये उत्पम है साक्षी। दिस इज आवर उत्पम। ओह माय गॉडनेस। सो यू नो, तुम फालतू बोलोगे तो सर पे पड़ेगा। टाइम तुम डेकोर को कैसे सर पे मार सकते हो? वैसे दिस लुक्स एक्चुअली क्यूट। हां, ये किसने लग रहा है किसी के सर पे ऑलरेडी पड़ चुका है, इसलिए इसको इसका पिछली बार आई थी ना, तो एक साल पहले मारा होगा तेरे किसी ने। नहीं, मेरे को किसी ने नहीं मारा। सो दिस इज सांबर वाटरमेलन जूस। और भैया हमारे कुछ और भी लेकर आ रहे हैं। एग्जैक्टली, फ्रूट्स भी हैं। थैंक यू सो मच। इट्स शंकर जी, थैंक यू। विद ब्यूटीफुल व्यू ऑल अराउंड, डजंट इट लुक मार्वेलस टू ईट इन नेचर? नेचर में खाने से अच्छा मुझे शायद कुछ और नहीं लगता। प्लस इनका रेस्टोरेंट ओपन और क्लोज अंदर एरिया है, और इनका बुफे सिस्टम लगता है पूरा मॉर्निंग आवर में। आफ्टरनून का टाइम, उससे पहले क्या चल रहा था मत पूछो, आई एम जस्ट किडिंग। मैं जा रही हूँ इस वक्त इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को कवर करने अपने वॉकर के साथ। एंड वी आर गोइंग टू सबसे पहले कवर द स्विमिंग पूल एरिया, क्योंकि यहाँ का स्विमिंग पूल बहुत ही कहते हैं ना झकास टाइप है। सो गाइस, ये जाते हुए हम पूल की तरफ, और हमारे यहाँ पे भी है एक कॉटेज, व्हील चेयर, और ऑब्वियसली मेरा ट्रैवल पार्टनर मुझे हेल्प करते हुए। कहाँ लेकर जा रहे हो? पूल जाना है हमें। ओके, पूल के बाद हमने सबसे पहले कवर किया कॉटेज, जो था व्यू के साथ अटैच बालकनी। कॉटेज के बाद सीधा हमारी गाड़ी रुकी विला में। इनके पास दो बड़े विला हैं, मास्टर बेडरूम के साथ साथ नीचे बहुत बड़ा हॉल रूम है जिसके अंदर रेफ्रिजरेटर भी है। उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो हर रूम में बाथटब है, और क्या चाहिए। इतने सुंदर व्यू के साथ सारे कमरे हैं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली या बड़ा परिवार लेकर आ रहे हो, यू कैन बुक ऑल द विला। सो समथिंग रिफ्रेशिंग आफ्टर सो लॉन्ग बेड पे पड़े होने के बाद, मतलब ये रहा, इट इज़ समथिंग रिफ्रेशिंग। 1, 2, 3 and 4 This is pizza day. ये तुम क्या कर रहे हो?
जुराब उतार लो मेरे कमरे में, सब उतार लो तुम, ले जाऊं मैं अपने हाथ में। ये काटा मैंने पिज्जा। गाइस बीइंग अ फूडी, इनका फूड सच में बहुत डिलीशियस है। आई ट्राइड पास्ता आज, पिज्जा सुबह, आई हैड उत्पम एंड एवरी थिंग। जब से मैं आई हूँ तब से मैंने ट्राई करी है। आई लव देयर फूड, ट्रस्ट मी। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस प्लेस विद टू टावर पैर, एंड स्टे वॉज एक्चुअली मार्वलस। हम वेट कर रहे हैं भैया का कि भैया आए और सामान लेके जाए हमारा। Did you like this tree? Bye bye, भैया. It's time to go.